कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जिससे खट्टर सरकार को राहत मिल गई है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट मिले तो प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई और उसके बाद वोटिंग हुई। सदन कांग्रेस के सभी विधायक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए। भाजपा और जननायक जनता पार्टी के विधायक अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़े हुए। तो इस प्रकार से एक सुखद एक घटनाक्रम आज ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया था वो विफल हुआ और सरकार की विजय हुई है। हम जो करते हैं उसको विपक्षी लोगों को ठीक से समझाने में हमको मदद मिलती है और जनता में बात को ले जाने के लिए चाहे मीडिया लोग ले जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग, चाहे विपक्ष के लोग, जनता में तो सारी बात जाती है, तो एक अच्छा अवसर होता है सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए। हमने ये भी कहा कि विपक्ष अगर कोई गलती हमारी ध्यान कराएगा और हमें लगेगा कि वास्तव में गलत हुआ है उसको हम मानेंगे, सहर्ष मानेंगे। हरियाणा विधानसभा में करीब 6 घंटे तक लंबी चर्चा के बाद करीब 5:02 पर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 32 विधायक खड़े हुए। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कांग्रेस के 30 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक खड़े हुए। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 विधायक खड़े हुए। स्पीकर का वोट नहीं गिना गया। इनमें भाजपा के 40 और जेजेपी के 10 विधायक और निर्दलीय विधायक शामिल थे। 90 सदस्य हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक मौजूद रहे। एक विधायक अभय चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और एक विधायक प्रदीप चौधरी को विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। जो अविश्वास प्रस्ताव था, जो मुद्दे हमने उठाए थे, जैसे एमएसपी का था, उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो मैंने कहा था लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जो हमने कहा था भाई 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे, जबकि सारे मैंने आंकड़े दिए थे कि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया और आपका जो लेके आए हैं 15% का और 2 विरोधाभासी कानून ले आए, 15% रिजर्वेशन जो 75% जो रिजर्वेशन की है उसमें 15 साल की 2 मिसाइल की बजाय 5 साल कर दिया, तो कैसे होगा ये? एमएसपी पर क्या तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया, कैसे दुगनी करेंगे आमदनी, ये कोई जवाब नहीं आया। कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, इसी के साथ उन विधायकों का रुख भी स्पष्ट हो गया जो वैसे तो किसानों के समर्थन में बात करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो वो सरकार के साथ खड़े हो गए। ऐसे में अब सवाल ये है कि कृषि कानूनों के प्रति सरकार के रुख का जनता भी समर्थन कर रही है या फिर नहीं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।